हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासी ने आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और प्याज की एक मिक्स पकोड़ा। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को लंबे लंबे हिस्सों में कट करके इसको अच्छे से उबास करके रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज, अब हम इसमें डालेंगे दरदर सा पिसा हुआ अदरक और हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता। पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन, डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसको हमें इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। बिना पानी डाले इसको हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला लेने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें और थोड़ा सा बेसन डलना चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा सा भी बेसन डाल सकते हैं। मैं भी इसमें और थोड़ा सा यानी कि और 1 चम्मच बेसन डालूंगी। डाल के इसको हमें अच्छे से फिर से मिला लेना है। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम पकौड़े को तलेंगे। पकौड़े को तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े को डालेंगे। गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम में रखकर इसको पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरह से इसको पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारे पकौड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी टेस्टी
पकोड़ा बनकर रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।